भारत को आतंकी हमले से दहलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़े आतंकी संगठन अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने केरल और बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी कर इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। NIA ने केरल में एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई स्थानों पर एक साथ छापे मारे और पाकिस्तान की पीठ पर चढ़कर भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे अलकायदा के बड़े मौजूद का भंडाफोड़ किया। पश्चिम बंगाल से 6 और केरल से अलकायदा के 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। NIA ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है केरल और पश्चिम बंगाल से। उनका निशाना काफी साफ था, यानी नई दिल्ली से लेकर बिहार और बेंगलोर तक उनके टेरर रडार पे थे। अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें तो सारे लोअर इनकम ग्रुप से आते थे। 2 इसमें से कॉलेज के छात्र थे और बाकी अगर हम बात करें तो सेल्समैन, किसान, यहाँ तक हम बात कर रहे हैं कुक, ड्राइवर, इस तरह से एक आम इंसान को टारगेट बनाया है। उन्हें रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइज किया गया है और केरल से लेके कश्मीर तक इसके तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें वेपन्स की, वो कश्मीर घाटी से आने थे लेकिन लॉकडाउन के चलते इस पूरे प्लान में तब्दीली आई और उसके बाद वो प्लान शिफ्ट हो गया नई दिल्ली को। आतंकी हमला होने की स्थिति में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, लेकिन NIA ने साबित कर दिया है कि भारत की जाँच एजेंसियों की पैनी नजर से देश के दुश्मनों का बचना संभव नहीं है। NIA ने बताया है कि ये आतंकवादी भारत के बड़े और अहम संस्थानों पर हमले की योजना बना रहे थे। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से टेररिस्ट ग्रुप्स, खासतौर पर जो अलकायदा हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो सामान्य लोगों को इंडिया में टारगेट कर रहे हैं और इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इंडोक्ट्रिनाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं ताकि ये लोग अच्छे कामगार लोग हो जाएं, ताकि उनके मंसूबों को वो अंजाम दिखा सकें। कहीं ना कहीं ये साइबर टेरर का मामला है। NIA ने बताया है कि इन आतंकवादियों के पास से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी किताबें, हथियार और घर में ही बम और विस्फोट का सामान बनाने के लिए काम आने वाले दस्तावेज बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि पाकिस्तान स्थित अलकायदा इन लोगों को सोशल मीडिया पर आतंकवादी कट्टरपंथी बना रहा था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमले के लिए उकसा रहा था। ये मॉड्यूल पैसा इकट्ठा कर रहा था और कुछ आतंकवादी हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए दिल्ली भी आने की योजना बना रहे थे। अलकायदा वही आतंकवादी संगठन है जिसने अमेरिका के ट्रेड टावर्स पर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद उसका सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया था।